आज मिजोराम और छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन मिजोराम 40 खन विधानसभा आसनर बाबे भोट ग्रहण प्रक्रिया आरम्भ हम 174 जन प्रार्थीर भाग्य बंदी हम इभीएम मिजोराम जोराम पीपल्स पार्टिये 40 खन आसनते प्रार्थित्व आगबढ़ोवार विपरीते बीजेपी 23 खन आपे 4 खन आसनत प्रार्थी प्रक्षेप करिछे आनहाते निर्वाचनी जुजत अवतीर्ण 27 गराकी निर्दलीय प्रार्थी 1276 भोट केन्द्र 851,895 जन भोटारे भाग्य निर्णय प्रार्थी इफाले छत्तीसगढ़ आज हम प्रथम पर्यायर निर्वाचन 70 खन आसनर 20 खन प्रथम पर्यायत निर्वाचन अनुष्ठित हम छत्तीसगढ़ प्रथम पर्यायत राज्य 223 गराकी प्रार्थी भाग्य निर्णय भोटारे 5,304 भोट केन्द्र 40,78,661 भोटारे सब्यस्त निजर गणतान्त्रिक अधिकार किसु समय पीछते भोटदान पर्व आरम्भ हम इतिम्य भोटदान पर्व आरम्भ हर खबर आम से 8 बजार लगे भोटदान पर्व आरम्भ और देखने पा गई है बर्तमान सुचारूरूपे काधा विघिनी नोहक भोटदान पर्व आरम्भ हो चलि थका देखने और निजर भोटाधिकार सब्यस्त करे शारी शारिक भोटार राइजे लाइन पाती शारी शारिक अपेक्षा करजर निजर भोटाधिकार पर्यक्रमे सब्यस्त कर देखने पा गई है और युन राज्य जी निर्वाचन अनुषित विधानसभा निर्वाचन से विधानसभा निर्वाचन आज भोटार राइजे बहुक नामी दामी प्रार्थी भाग्य इभीएम बंदी कर के पूरे प्रदेश के लगभग 20 विधानसभा में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और लगातार सुबह से ये संख्या जो आई हुई है वो इस बात को साबित करता है कि छत्तीसगढ़ पे कांग्रेस की सरकार को यहाँ से हटाएं और विकास की गंगा बहाएं जिस उद्देश्य के साथ में छत्तीसगढ़ को बनाया गया था उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। कांग्रेस ने लगातार भ्रष्टाचार के एक नए आयाम स्थापित किए हैं। जिन योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने क्रियान्वित किया था, चाहे प्रधानमंत्री आवास की हो, चाहे वो यहाँ पर स्थानीय रोजगार की बात हो या फिर अन्य जो अधोसंरचना के निर्माण की बात हो, इन सब बातों को लेकर के कांग्रेस ने जिस तरीके से धोखा दिया पिछले 5 वर्ष में, उस बात को लेकर के कांग्रेस के प्रति लोगों की बहुत नाराजगी है।